इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आ रही है। आरक्षण की मांग को लेकर एक युवक ने यहां जान दे दी है। औरंगाबाद में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक युवक ने गोदावरी नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ओबीसी कोटे के अंदर आरक्षण की मांग हो रही है, जिसे लेकर प्रदर्शन हो रहा था, और इस दौरान एक युवक ने मराठा आरक्षण की मांग पर गोदावरी नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं औरंगाबाद की, जहां से ये तस्वीरें आ रही हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की, युवक का नाम काका साहेब शिंदे, और बताया जा रहा है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इस युवक ने गोदावरी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। और मराठा आरक्षण का मुद्दा बेहद गर्म है महाराष्ट्र की सियासत में। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस युवक के बारे में कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, युवक के बारे में जानकारी मिली है कि आज औरंगाबाद में आंदोलन हो रहा था, और एक गोदावरी नदी के ऊपर जो पुल है वहां पर एक मोर्चे की शक्ल में जो है लोग वहां से गुजर रहे थे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। उसी दौरान ये युवक अचानक में पुल के किनारे गया और उसने पुल से बहती हुई नदी में, गोदावरी नदी में छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के बाद, चूंकि शायद उसे तैरना नहीं आता था और मानसून की वजह से नदी में तेज धार भी थी, इस वजह से जो है तुरंत ही डूबने से उसकी मौत हो गई। और अब जो है वहां पर प्रदर्शनकारी आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने रास्ता जाम कर दिया है। और जो भाई है, इस मृतक का नाम बताया गया है काका साहेब शिंदे, इसका भाई है अविनाश शिंदे। उसने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर दफा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक इस योग का शव नहीं लेंगे। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की वजह से एक युवक ने जान दे दी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।